शीश बदनी जयमल को बहुत समझाती है, लेकिन जयमल ने ये कह दिया, रानी हट की हटीली रानी जानती कुछ बात कोन्या, अरे हट की हटीली रानी जानती कुछ बात कोन्या, और मुगला के सामने झुक जा इसी रजपूता की जात कोन्या। अरे चिट्ठी घेर के बुलाया है, और अगर हम वहां नहीं पहुंचे तो बादशाह अकबर ये सोचेगा कि शायद डर के मारे नहीं आए होंगे। प्रेमी श्रोताओ, अपनी सेना तैयार की जयमल और फतेह सिंह ने, तोपों की सलामी दी गई और पूरी फौज के साथ में, पूरी सेना के साथ में जयमल और फतेह सिंह दिल्ली पहुंच जाते हैं बादशाह अकबर के दरबार में। वहां पे बैठ के खाना पीना हुआ, फतेह सिंह को थोड़ी सी ज्यादा चढ़ गई। फतेह सिंह ये कहने लगा, भाई जयमल मुझे नशा कुछ ज्यादा हो गया है, मैं डेरे में जा रहा हूं, जब तेरी बातें खत्म हो जाए तो तू भी वापस मेरे पास डेरे में आ जाना। प्रेमी श्रोताओ, फतेह सिंह वहां से चलकर अपने डेरे में पहुंच जाता है, और जैसे ही जयमल को अकेला देखा बादशाह सलामत ने, तो ये कह दिया कि जयमल पूरी उत्तरी भारत में मेरा राज चलता है, सिर्फ चित्तौड़गढ़ के अंदर जयमल तेरा और फतेह सिंह का राज चलता है। अरे मैंने सुना है कि तेरे घर में एक लड़की है जिसका नाम है सुंदरबाई, वो बहुत खूबसूरत है, अरे तुम मुझसे रिश्तेदारी बना लो, उस लड़की सुंदरबाई का डोला तुम मुझे दे दो। बहुत गुस्सा आया ये बात सुनकर जयमल को, लेकिन जयमल अपने गुस्से को पी गया। प्रेमी श्रोताओ, ये कह दिया जयमल ने कि बादशाह अकबर, इस बात का जवाब मैं तुझे सुबह बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं जाऊंगा अपने भाई फतेह सिंह के पास डेरे में, और उससे बात करूंगा, सलाह मिलाऊंगा कि अकबर जो तेरे बात कही से आगी से मन मेरे में, अरे अकबर जो तेरे बात कही से आगी से मन मेरे में, और सलाह मिला के बेरा दूंगा तू मने जालन दे डेरे में। अकबर ने सोचा कि अभी तो यही है, और हाँ ना का जवाब तो जरूर देगा, ठीक है जयमल तू जा सकता है, सुबह मुझे जवाब दे देना। प्रेमी श्रोताओ, फतेह सिंह के पास में जब जयमल पहुंचा तो जयमल का चेहरा उतरा हुआ था। फतेह सिंह पूछने लगा, जयमल थोड़ी देर पहले तो तू बहुत खुश था, लेकिन तेरा चेहरा मुरझाया हुआ है, क्या मैं कारण जान सकता हूँ कि तेरे चेहरे पे उदासी क्यों छाई है? तो प्रेमी श्रोताओ ये कहने लगा कि भाई चाले कर दिए। कि क्यों? अरे घरा बुला के इज्जत डाल ली। कि कैसे भाई? कि वो अकबर मेरी बेटी सुंदर बाई का डोला मांग रहा है भाई। जब इतनी बात फतेह सिंह ने सुनी तो बताया जाता है कि जिस पलंग पे वो फतेह सिंह बैठा था इतनी जोर से खड़ा होता है कि पलंग की बाही भी टूट जाती है। प्रेमी श्रोताओ ये कहने लगा, हमारी इज्जत पे हाथ डालता है? कि हाँ, घर पे बुला के इज्जत तारी है। जयमल एक कलम ले, एक कागज ले, और चिट्ठी लिख अकबर को, उसे भी पता चलना चाहिए कि असली राजपूत कैसे होते हैं। प्रेमी श्रोताओ, जयमल और फतेह सिंह अकबर को जवाब दे रहे हैं, और क्या कहते हैं गुस्से में भरकर, सुनते हैं इस रागनी के माध्यम से। हे रे हम रजपूत जात के ठाकुरी के, समझे ना इंसान तने, हे रे हिजड़ा के गीत सुने से देखे ना हमारा।
नाचता जब बाजे भी सवेले की बेटी दे के जीना चाहवे वा जिंदगी तो थेले की बेटी दे के जीना चाहवे वा जिंदगी तो थेले की फिर कई पीढ़ी तक लूट लूट के कई पीढ़ी तक लूट लूट के हालिया है तो सुतार बिहारी दुनिया में मछली की लगार मान सिंह ने बेबे बिहारी दुनिया में मछली की लगार बहन के भाई कुत्ता हो से बहन के भाई कुत्ता हो से मान सिंह बन रहा सरदार सो कुत्तों का वो कुत्ता जो बाप रहे बेटी के द्वार
सोच में तेरे बाड़ रे तुम्हें टकरावेगा तेरे हाड़ रे तुम्हें रोले जाने मांगे राम से टकरावेगा तेरे हाड़ रे तुम्हें रोले जाने मेरे दाग देनिया कोई रहे ना दाग देनिया कोई रहे ना क्या उससे दारी कुरान तने I'm gonna make it.